जी हिंदुस्तान ने 11 नवंबर को एक खबर चलाई कि गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में एक घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा लगाया गया। ये खबर चलाते हुए चैनल ने घर के कुछ फुटेज भी दिखाए। ये दावा जी हिंदुस्तान के पत्रकार तुषार श्रीवास्तव ने किया था। इसके अलावा कुछ मीडिया संगठन जैसे पंजाब केसरी, नवभारत टाइम्स, लोकमत हिंदी ने भी ऐसा दावा किया कि गोरखपुर में एक घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा फहराते हुए देखा गया। इस मामले में पीछे न रहते हुए दक्षिणपंथी मीडिया वेबसाइट ऑप इंडिया ने भी ये खबर पब्लिश की। एक ट्विटर यूजर ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए बताया था कि गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में भीड़ ने पाकिस्तानी झंडा लगाने के शक में एक घर को घेरा था। वीडियो में घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रही है, लेकिन मीडिया संगठनों ने इस मामले में जांच पूरी होने से पहले ही ये बता दिया कि घर पर पाकिस्तानी झंडा लगाया गया था। आइए देखते हैं इस मामले की सच्चाई क्या है। मीडिया ने घर की छत पर लगे झंडे के जो दृश्य दिखाए हैं, उन्हें ध्यान से देखने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये पाकिस्तानी झंडा नहीं है। घर पर लगे झंडे में सफेद पट्टी नहीं है, जबकि पाकिस्तान के झंडे में बाई और सफेद रंग की पट्टी होती है। इसके अलावा दोनों झंडों में चांद अलग अलग दिशा में है। वायरल तस्वीरों और वीडियोस पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने भी यही बताया कि ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि इस्लामिक झंडा है। इस मामले में घर के बाहर हुए हंगामे के चलते पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। FIR कॉपी के मुताबिक ब्राह्मण जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्याण पांडे ने केस दर्ज करवाया था। ऑल्ट न्यूज ने चौरी चौरा क्षेत्र के सिटी ऑफिसर से भी बात की। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने झंडा कब्जे में ले लिया है। इस घटना की जांच में पुलिस ने पाया कि ये झंडा इस्लामिक है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने राजद्रोह का केस वापस ले लिया है, यानी एक घर पर लगे इस्लामिक झंडे को लोगों ने पाकिस्तानी बताया और इस मामले में खूब हंगामा भी किया। मीडिया ने भी इस घटना की रिपोर्ट करते हुए आरोप लगाया कि घर पर पाकिस्तानी झंडा फहराया गया है, लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि यह झंडा पाकिस्तानी नहीं बल्कि इस्लामिक था।